ईशवाणी के प्रेक्षकों को सादर प्रणाम। जय यीशु। आज का विषय है संतुष्टमय जीवन। हमारे पास जो कुछ है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है, उससे हमें संतुष्ट भी रहना है, ना कि हम यहाँ वहाँ देखना है उनके पास उतना चीज है, मेरे पास वो चीज की कमी है। हमें एक प्रकार से जब संतुष्टमय जीवन बिताएंगे तो शांति से जीवन बिता सकते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 29 में 29 और 30वां वाक्य में बताते हैं, पराये घर में दावत की अपेक्षा अपने घर में रूखा सूखा भोजन अच्छा है। तुम्हारे पास बहुत हो या कम, उससे संतुष्ट रहो, और तुमको परदेश में डांट फटकार नहीं सुननी पड़ेगी। हाँ प्रिय मित्रों, ईश्वर हमें जो कुछ दिया है, जरूर अपने तरफ से मेहनत तो करना है, और उसके बाद में ईश्वर जो कुछ दिया है उससे हमें संतुष्ट रहना है, ना कि पराये घर में बहुत कुछ हो सकता है। यहां पर दिया है, पराये घर में दावत की अपेक्षा अपने घर में रूखा सूखा भोजन अच्छा है। बोले हमारे घर में बहुत अच्छे स्वादिष्ट भोजन तो नहीं होगा, लेकिन दूसरों के घर में जाकर दावत उठाने से अच्छा अपने घर में जो कुछ है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। आगे बताते हैं, तुम्हारे पास बहुत हो या कम हो उससे संतुष्ट रहो। हम देखते हैं जब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उनका खुशी, और जो बड़े बड़े महलों में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले बाहर से दिखते हैं कि बड़ा महलों में रहते हैं, गाड़ी घोड़ा सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनके चेहरे पर खुशी नहीं है, हमेशा तनाव में है। भले गरीबी में रहने वाले भी कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसे तो नहीं कि सारे गरीबी लोग वो संतुष्ट हैं। अभी संतुष्ट रहने वाले भी है, हमें चाहिए अपने तरफ से मेहनत करना, बाकी ईश्वर को छोड़ना, और ईश्वर जो कुछ दिया उससे संतुष्ट रहना, संतुष्टमय जीवन बिताना है। हम लालच नहीं करना है, ज्यादा कमाने की लालच में रहेंगे संतुष्टि कभी नहीं होगा। लालच करते रहेंगे, और कमाना है और कमाना है, आखिर उनको जीने के लिए समय नहीं मिलेगा, ज्यादा कमाने के चक्कर में लगे रहेगा। ऐसी कहानी है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहे थे और उनको एक दर्शन मिला कि तुम जितने भी जमीन नापोगे, जितने भी जमीन तुम चलकर शाम तक कवर करेगा, उतना जमीन तुम्हारा ही होगा। तो वो व्यक्ति दौड़ने लगे, दिन डूबने के पहले जितने भी जमीन वो चलकर कवर करेगा वो पूरा उनका ही होगा। तो ज्यादा मिलने के चक्कर में दौड़ते 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 शाम तक वो बीच में गिर पड़ा, वह मर गया, क्योंकि और ज्यादा लालच से और मिलने के लिए दौड़ रहे थे। जो पहले जितने भी मिल गया उसको कोशिश संतुष्ट नहीं हुआ, ज्यादा कमाने के लिए दौड़ कर रहे थे। ऐसे कई लोग हैं जो अपने जीवन को खुशी से रहना या आनंद के साथ रहना, उनके पास समय नहीं है। कई कई परिवार में हम लोग देखते हैं ज्यादा धन कमाने के लालच में पति पत्नी यानी मां बाप दोनों दिन रात मेहनत करते हैं, बच्चों के लिए समय भी नहीं देते हैं, और बच्चे बिगड़ जाते हैं, उनके लिए समय भी नहीं देते हैं। ये दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं और बटोरने के लिए कोशिश करते हैं, आखिर किसके लिए ये बटोरना है? अपने ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए थोड़ा समय तो देना है,
ठीक है, जितना जरूरत है उसी के अनुसार मेहनत करना है, कमाना है, लेकिन जीवन के बाकी शेष भागों को भी देखना है। बच्चों को संभालना, परिवार में एक साथ बैठकर भोजन करना, माँ बाप का प्यार, बच्चों को मिलना, एक साथ मिलजुल कर रहना। पाश्चात्य राज्यों में पारिवारिक जीवन बिगड़ने का एक कारण यह तो है, वहां पर एक साथ परिवार आकर मिलकर बैठने के लिए, भोजन करने के लिए समय नहीं है। पत्नी अपनी कार में भागती है, पति अपने कार में भागते हैं, और बच्चे अपने अपने गाड़ियों में भागते हैं, सब इधर उधर भागने वाले हैं। एक साथ मिलकर बैठने का समय नहीं है, कमाने के चक्कर में, ज्यादा धन कमाने के चक्कर में परिवार बिगड़ जाता है और संतुष्टमय जीवन उनके पास नहीं होते हैं। हाँ प्रिय मित्रों, हिब्रू के नामक पत्र में पवित्र ग्रंथ में ईश्वजन कहते हैं, 13:5 कहते हैं, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा, तुमको कभी ना त्यागूंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि हम आलसी जीवन बिताएं, हमें मेहनत करना है लेकिन लालच नहीं करना है। धन के लालच से हम संतुष्टमय जीवन बिताना भूलना नहीं, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहें, क्योंकि ईश्वर ने कहा है, तुम्हें ना छोड़ूंगा, तुमको कभी ना त्यागूंगा। जो अपने जीवन में जब कुछ चीज मिलता है, खुशी महसूस करना चाहिए। सामान्य तौर पर हमें इंसान को जब कुछ चीज मिलता है तो दूसरे को पहले अपने हाथ का तो देखेंगे जरूर, बाद में दूसरे का हाथ में कितना है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उनको बड़ा मिला, मुझे छोटा मिला, उनको ज्यादा मिला, मैंने ज्यादा मेहनत किया, उनको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला है। मुझे मिला जरूर, मुझे मिला तो है, लेकिन उनको ज्यादा मिला है। प्रभु येसु ऐसे एक दृष्टांत भी सुनाया था, जो दाकबारी में सेवकों को बुलाया, बुलाते समय उनके लिए मजदूरी तय किया था, एक एक दिनार मिलेगा, लेकिन बीच में जब वो मालिक बाहर निकला तो देखा कुछ लोग बेगार खड़े हैं, उनको बुलाया। आखिर में जब मजदूरी बांट रहे थे, सबसे पहले जो आया उनसे लेकर शुरू किया, उनको जो सबसे आखिरी में आया उनसे लेकर शुरू किया, उनको एक एक दिनार दिया। जो पहले आने वाले सोचे हमें तो ज्यादा मिलेगा क्योंकि हम दिन भर काम किए हैं, उनको भी उतना ही दिया। उनका परेशानी यही तो, उनको बहुत दुख लगा, गुनगुनाने लगे मालिक के ऊपर, हम तो दिन भर मेहनत किया, वो थोड़ी देर के लिए मेहनत किया है। तो मालिक बोलते हैं उनसे, देखो आपसे मैंने जो मजदूरी तय किया था उतना तो दिया है, लेकिन मैं दूसरों को जो देता है उससे आप जलते क्यों? जो पहले आने वाले मजदूरों को परेशानी इस बात पर है, उनको जो नियत है उनको दिया है, उनकी तकलीफ यह है कि दूसरे को ज्यादा मिला है, उनको कम मिलना चाहिए, इसलिए उनको संतुष्टि नहीं हुआ। हमारे पास जो दिया है नियत से दिया तो है, लेकिन दूसरों को क्यों ज्यादा दे दिया है? ये तो सामान्य तौर पर इंसान में होते हैं। जब बच्चे परीक्षा का रिजल्ट देखते समय पहले देखते हैं मुझे कितना मार्क मिला है, बाद में देखते हैं दूसरे को कितना मिला है, अच्छा वो बहुत कम पढ़ाई किया है, क्लास में कई दिनों में नहीं आते थे, तो उनको क्यों मुझसे ज्यादा मार्क मिला या मुझे बराबर क्यों मिला है? तो वो दुखी मन से चले जाते हैं, पास तो हो गया, फर्स्ट डिवीजन मिला होगा, अच्छे नंबर से पास भी हुए होंगे, लेकिन दूसरे व्यक्ति, दूसरे बच्चे जो उतना मेरे जैसे मेहनत नहीं किया, उनको क्यों इतना मार्क मिला है, उनको क्यों अच्छा रिजल्ट मिला है? वही परेशानी है, संतुष्ट नहीं रहता है। जितना उनका नियत है उतना तो मिला है, लेकिन दूसरों को क्यों ज्यादा मिला है?
कई लोग संतुष्ट इसलिए नहीं होते हैं, अपने पड़ोस के घर में इतना सारा सामान है, मेरे घर में थोड़ा कम है, इसलिए संतुष्टि नहीं आते हैं। ईश्वर हमें नियत के अनुसार जो कुछ भी दिया है उस पर हमें संतुष्टि रहना है। इसका मतलब यह भी नहीं है, जैसे मैंने पहले बताया, आलसी जीवन बिताओ, मेहनत करना है और ईश्वर के द्वारा दिए हुए वरदानों पर हमें संतुष्ट रहकर खुशी से आगे बढ़ना है, वही तो मतलब है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार में अध्याय 3 में 14 वाक्य, यहां पर योहन बपतिस्ता के पास कई लोग आए और पूछने लगे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो कुछ सैनिक लोग भी उनके पास आए, कुछ सरकारी नौकर भी उनके पास आए, उनसे योहन बपतिस्ता का यही उद्देश्य था, अपने वेतन से संतुष्ट रहो, अपने वेतन से संतुष्ट रहो। आज अगर समाज में इस बात की उपदेश को स्वीकार किया होते तो भ्रष्टाचार नहीं होता, समाज में भ्रष्टाचार नहीं होंगे, हर एक नौकरी करने वाले, ऑफिसों में काम करने वाले, सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले रिश्वत लेना, घूस लेना छोड़ दे, यानी अपने वेतन से संतुष्ट रहते हैं, ऊपरी कमाई के बारे में नहीं सोचता है, तो भ्रष्टाचार कहां होगा, घूसखोरी कहां होगा, रिश्वत लेने वाला बात कहां होगा। ईश वजन के अनुसार अगर हम चलेंगे, हमारा समाज बहुत अच्छे समाज होंगे, हमारे समाज शांति के समाज होंगे, खुशी के समाज होंगे, आनंद के समाज होंगे, संतुष्टमय समाज होंगे, खुशी से जीने लगेंगे। जब अपने वेतन से संतुष्ट ना रहकर ऊपरी कमाई के लिए कोशिश करते हैं, कई लोग ऐसे हैं, अपने वेतन बैंक में सीधा जमा हो जाएगा, घर का खर्च के लिए यहां वहां से दो नंबर पर ऊपरी कमाई, ऊपरी कमाई से घर चलाना, वेतन सीधे बैंक में जमा करके रखना, और कई लोग उसको भोगने के लिए भी समय नहीं मिलता, उपयोग करने के लिए समय नहीं मिलता, ईश्वर उनको पहले से बुला लेते हैं, या बच्चों के द्वारा कुछ ऐसे हरकत करते हैं जितने भी जमा करके रखा भाग जाता है। हाँ प्रिय मित्रों, ईश्वर जन हमसे कहते हैं अपने वेतन से संतुष्ट रहना है, ऊपरी कमाई के पीछे, घूस लेने के पीछे या रिश्वत लेने के पीछे नहीं जाना है। जो मुझे तनखा है, जो नियत है, जो नियमित रूप से है, मुझे उतना बस, मुझे दूसरा नहीं चाहिए। ऐसे जीवन बिताने के लिए धर्मग्रंथ हमें सिखाते हैं, धर्म हमें सिखाते हैं, ईश्वर वचन हमें सिखाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ में 37वां अध्याय में 16 वाक्य बताते हैं, दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है। गलत व्यवहार करके संपत्ति कमाने वाले होंगे, उनके संपत्ति से अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है, क्योंकि वो मेहनत का फल है, दूसरा मेहनत का नहीं है। गलत काम करके दो नंबर में कमाए हुए धन है, दो नंबर पर कमाए हुए धन, गलत व्यवहार करते हुए कमाए हुआ धन, अपने सरकार से कर चुकाने से बचकर इकट्ठा किया हुआ धन, जिसको हम बोलते हैं काला धन, जैसे अपने देश में हम सुनते हैं कई लोग अपने देश में टैक्स यानी कर देने से बचने के लिए धन को स्विस बैंक में या देश के बाहर कहीं जमा करके रखा है, और अपने नेता लोग वादा तो करते हैं उसको पूरे इकट्ठा लेकर आना है, इतना आसान तो नहीं। अपने देश से देश में जो विकास के लिए देने का पैसा बाहर ले जाकर रखा है, ताकि मैं इधर कर ना देना पड़ेगा, अपने देश के विकास के लिए
खर्च करने वाले धन को छिपा कर रखा है कई लोग। उसको ले आने के लिए कोशिश तो जारी है लेकिन अभी तक पूरी सफलता तो नहीं मिल पाए। हाँ प्रिय मित्रों, हमें जो धन संपत्ति नियत से कमाया है भले थोड़ा सा भी हो वो अच्छा है। इसलिए ईश्वर जन कहते हैं, दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सामान अच्छा है। सूक्ति ग्रंथ में अध्याय 15 में 16वां वाक्य में हम पाएंगे, अशांति पैदा करने वाली अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सामान अच्छा है। अशांति पैदा करने वाले अपार संपत्ति, समाज में लड़ाई झगड़ा करवाने वाले, समाज में लोगों को बिगाड़ने वाले कई चीज हम बाजार में बेच सकते हैं। ऐसे चीजों को बेचकर भले दारू हो या अन्य मादक पदार्थ हो, ये सब चीजें बेचकर जो पैसा कमाया है उसी पैसा को बोलते हैं, उसी धन को बोलते हैं अशांति पैदा करने वाले अपार संपत्ति कई लोगों के पास है। उसकी अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा धन, थोड़ा सा सामान शुद्ध है या अच्छा है। मैंने सुना एक आध्यात्मिक साधना केंद्र पर, वहां पर एक घोषणा किया है, हमारे पास जो दान देता है, जो गलत काम करके कमाया हुआ धन यहां पर दान नहीं देना है, ऐसे लोगों से दान नहीं लेते हैं। गलत काम करके जो पैसा कमाया कुछ ईश्वर को दे देता, कई लोग तुम भी पकड़ो थोड़ा, मैंने तो दूसरे नंबर पर कमाए हैं आपको भी थोड़ा रहने दो, कई लोग ऐसा भी करते हैं। गलत काम करके पैसा कमाता है, थोड़ा कुछ ईश्वर के दान पेटी में डाल देता है। इसलिए वह आध्यात्मिक साधना केंद्र में वहां पर घोषणा करते हैं, जो गलत काम किया हुआ धन यहां पर हमें नहीं चाहिए। जब उनको पता चला ये व्यक्ति गलत काम करके पैसा कमाया है, सीधे बोल देते माना करता हमें नहीं चाहिए, ईमानदारी से कमाया हुआ चीज चाहिए। तो अशांति पैदा करने वाले अपार संपत्ति की अपेक्षा प्रभु पर श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति का थोड़ा सा सामान अच्छा है। हमें उससे संतुष्ट रहना है। ज्यादा कमाने के चक्कर में हम गलत काम करके पैसा नहीं कमाना है। सूक्ति ग्रंथ में 16वां अध्याय में 18वां वाक्य में हम पाएंगे, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति के अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। इन सभी ईश्वर वचनों में बात तो एक ही है, गलत काम करके कितना भी पैसा कमाओ, कितना भी धन कमा कर रखो, बड़े बड़े महल बनाओ, बहुत सारे गाड़ियां भी हो सकते हैं, बहुत सारे चीजें हो सकते हैं, उसके अपेक्षा जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अगर वो धर्मी है, मेहनत करके कमाया है, उसका थोड़ा सा जो भी जो कुछ है वो शुद्ध है, अच्छा है, उसमें कोई कलंक नहीं है, उससे ईश्वरीय कृपा मिलेगा। वो धन से मतलब थोड़ा सा भी हो उससे ईश्वरीय कृपा मिलेगा। दूसरा, दूसरों के गले घोट कर कमाया हुआ धन है, जैसे कई लोग ब्याज लेकर बहुत सारा पैसा कमाते हैं, गरीबों को चूस कर शोषण करके पैसा कमाते हैं और उसमें से दान देते हैं। वो दान जो जो भी पैसा देते हैं उसका वो पुण्य नहीं मिलता है, क्योंकि ये दूसरे ने मेहनत से कमाया हुआ चीज नहीं। इसलिए कहते हैं, अन्याय से कमाई हुई अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी, जो ईमानदार है, जो कानूनों को पालन करता है, उनका थोड़ा सा सामान अच्छा है। तिमती के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 में 6 से लेकर 8वां वाक्य को हम पढ़ेंगे।
भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहां से कुछ साथ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। हाँ प्रिय मित्रों, संत पौलुस तिमोथी के लिए जो पत्र लिखा था, पहला पत्र में अध्याय 6 में 6 से लेकर 8 तक वाक्य हम अभी सुना। इस वजन हमसे ये कहते हैं, भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ तो होता है, किंतु केवल उसी को, किसको, जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। ईश्वर से प्रार्थना करना, दुआ मांगना, सब अच्छी बातें हैं, भक्ति है, उससे लाभ भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमें और मिलने दो लालच रखना। अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रखना है, ईश्वर ने जो कुछ दिया है उससे संतुष्ट रहना है, ना कि लालच करके आगे बढ़ना। और ईश्वर जन आगे हम लोगों से ये संदेश देते हैं, हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहां से कुछ साथ में ले जा सकते हैं। समय मालूम है जब हम लोग पैदा हुआ, हम लोग क्या लेकर आए हैं, नंगे बदन, कुछ भी नहीं था। तो हम लोग मरने के समय क्या लेकर जा सकते हैं, अपने घर, मकान, गाड़ी या धन दौलत, क्या हम सब लेकर जा सकते हैं? यह सब यहां छोड़कर जाना है, कुछ लेकर नहीं आया, कुछ लेकर नहीं जा पाए। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर जन कहते हैं अपने लिए पर्याप्त कपड़े हैं, ऐसे नहीं कि 30 दिन है 30 प्रकार की कपड़ा रख, 30 जोड़ी कपड़ा रहना, हर एक दिन में एक एक बदली करने की। पर्याप्त वस्त्र है, पर्याप्त भोजन है तो हमें संतुष्ट रहना है। ये तो ईश्वर जन कहते हैं कि हमें लालच की ओर आगे नहीं बढ़ना है। संतुष्टमय जीवन के साथ रहने पर हमें खुशी मिलते हैं, शांति मिलते हैं। लालच के उसके विपरीत, लालच की ओर हम आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में कभी भी संतुष्टि नहीं होगा। हाँ प्रिय मित्रों, आज हम जब संतुष्टमय जीवन के बारे में मनन चिंतन किया, हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे। हे प्रभु, नियमित रूप से हमें जो कुछ मिला है और आपके द्वारा जो कुछ दिया गया है उस पर संतुष्ट रहने के लिए कृपा दें। ऊपरी कमाई, घूस लेना या दो नंबर से काम करके पैसा कमाना, ऐसी बातों से दूर रहने के लिए कृपा दें। लालच करते हुए धन संपत्ति ज्यादा कमाने की जो सारी बातें हैं, इन सारी बातों से दूर रहने के लिए हमें कृपा दें। आपके द्वारा दिए गए नियमित रूप से हमें जो कुछ दिया गया है उस पर संतुष्ट रहकर एक खुशी का, इस शांति का जीवन बिताने के लिए हमें कृपा मिले। आमीन।
for latest videos and updates. Like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.